प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार किए साझा। कहा, मन की बात करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का है प्रकटीकरण। देश भर में 4 लाख से अधिक जगहों पर भाजपा के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात। हरियाणा राजभवन में विशेष अतिथियों के साथ सुना गया मन की बात कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान कहा, प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में पुस्तकों की मनमानी ढंग से बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनेगी नई नीति। और केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कावेरी की मदद से फरीदाबाद का दंपत्ति सकुशल भारत लौटा। घर वापसी पर केंद्र और राज्य सरकार का जताया आभार। नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। मन की बात की 100वीं कड़ी में इस अनूठे कार्यक्रम के सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे देश की सकारात्मक ऊर्जा का पर्व बताया, जिसे हर भारतवासी जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मन की बात कार्यक्रम आस्था, पूजा और व्रत है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में सेल्फी विद डॉटर अभियान चलाने वाले जींद जिले के सुनील जागलान और हीलिंग हिमालयाज अभियान शुरू करने वाले चरखी दादरी जिले के प्रदीप सांगवान से विशेष बातचीत की। बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद भैया, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुनकर और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची? हाँ जी सर। अभियान भी चलाया, आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे, अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी, हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के प्रसारण को सरकार के कई मंत्रियों ने सुना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में मन की बात का प्रसारण सुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड सुना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के न्यूजर्सी में कार्यक्रम के प्रसारण को सुना। इस अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लंदन स्थित इंडिया हाउस में पीएम के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। मन की बात के 100वें एपिसोड के नई दिल्ली के आकाशवाणी के भवन में भी इसे सुना गया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले और कृष्णपाल गुर्जर ने
करनाल व फरीदाबाद में आम जन के साथ मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को सुना। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के प्रसारण को लेकर आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें वे विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल हुए जिनका प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में जिक्र किया था। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में विभिन्न विषयों पर चर्चा करके समाज को नई दिशा प्रदान की है और सामान्य लोगों को नई पहचान दी है। कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश की विरासत, संस्कृति और धरोहर को घरेलू पर्यटन से जोड़ते हुए इसमें नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की प्रेरणा दी है। इसके अलावा पीएम ने अपने इस संवाद कार्यक्रम से युवाओं में देशभक्ति की एक नई लहर उत्पन्न की है। पर्यटन के विकास के बारे में चर्चा की है। जैसा कि उन्होंने बताया, हमें विदेशों में पर्यटन करने से पहले कम से कम 15 घरेलू पर्यटक स्थलों पर जाकर जरूर जाना चाहिए। इस क्षेत्र में थोड़े निवेश से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम से देश के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में समाज सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से उल्लेखनीय सेवा करने वाले अनेकों बेनाम कर्मठ समाज सेवियों को अपने आवाज दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में प्रेरणादायक कहानियों का जिक्र करते रहते हैं। आइए सुनते हैं उन नायकों की कहानी जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में किया है। प्रधानमंत्री ने जब मेरा मन की बात में नाम लिया तो मुझे बड़ा शौक लगा कि मुझे पता भी नहीं था कि आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मेरा नाम लिया है। जैसे ही एपिसोड समाप्त होने के बाद फ़ोन आए अलग अलग मीडिया से, जिला प्रशासन की तरफ से, तो मुझे वाकई में गौरव महसूस हुआ। मैं इसके लिए पुनः प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने मेरे मन की बात में नाम लिया तो जब मैं सब जूनियर नेशनल चैंपियन बनी थी और उसमें मेरा गोल्ड आया था, और उसके बाद जब मेरा गोल्ड आया तो मैं उसके बाद दूध के ठेले पे गई और मैंने दूध पिया, और उसके बाद मेरे में उत्साह आया कि मैं अभी और कुछ कर सकती हूँ। मन की बात में उन्होंने मेरे पिताजी और हमारे जो रोहतक जिले का नाम लिया था, उससे मेरे मन में और जोश आया कि प्रैक्टिस करने के लिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, इससे बहुत खुशी है, कुछ मतलब हमें कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज आम जन के साथ पंचकुला में सामूहिक रूप से मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को चरितार्थ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोया है और लोगों को नई दिशा दी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि मन की बात में प्रधानमंत्री जो भी नई दिशा समाज को दिखाते हैं उस पर सभी लोगों को अमल करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के एपिसोड में प्रधानमंत्री ने जींद जिले के बीबीपुर गांव में रहने वाले सुनील जागलान और चरखी दादरी के प्रदीप सांगवान का जिक्र किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हरियाणा की जनता में से तो बहुत बार हुई, उसमें आज इन्होंने शुरुआत जो की, हरियाणा सुनील सांगवान जी का जो कल्पित डॉटर, ये जो अभियान था हबतपुर गांव जींद के वो रहने वाले हैं, और उन्होंने इस अभियान के नाते से भले सहज अपनी एक प्रक्रिया दी होगी, लेकिन देश में न केवल देश में बल्कि दुनिया में उसका प्रचार हुआ, और उसी प्रकार से हरियाणा की कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। खास करके जो प्रदीप सांगवान की बात उन्होंने की है, पूरे टूरिज्म का जो क्षेत्र है वहां पर, क्योंकि टूरिस्ट पहाड़ों पर जाकर के जो खाने पीने की बात उपयोगी चीजों को लेने के बाद जो अनुपयोगी चीजें होती है, जैसे कोई थैला है, प्लास्टिक का कोई बैग है अथवा बोतल है, ये सब जो फेंकते हैं उससे पर्यावरण भी बिगड़ता है, उस अभियान में, उस स्वच्छता अभियान के अंदर उनका जिक्र किया, और इससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रेरणा लोगों को मिली है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा भिवानी जिले के दुल्हेड़ी गांव में मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा जिले में 957 बूथों पर 1 लाख से अधिक लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2023 के कार्यक्रम में गांव दुल्हेड़ी की युवा स्वच्छता एवं जनसेवा समिति के अभियान स्वच्छता अभियान का जिक्र विशेष तौर पर कर चुके हैं। इस मौके पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में खादी को जनता के लिए आत्मनिर्भर बनने का माध्यम बता चुके हैं। देशभर में लाखों लोग खादी अभियान से जुड़कर स्वरोजगार अपना रहे हैं। लोन देने का काम करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से यहाँ के युवाओं को हम प्रोत्साहित करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे आए और माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में साथ चले। इस मौके पर दुल्हेड़ी के युवा स्वच्छता एवं जनसेवा समिति के अध्यक्ष पवन सैनी और सदस्यों ने कहा कि अब वे अपने स्वच्छता अभियान को राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाएंगे और देश व प्रदेश के हर गांव के युवाओं को स्वच्छता अपनाने का संदेश देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा उल्लेख करके, हमारा जिक्र करके, हमारा हौसला जो सातवें आसमान पर पहुंचा दिया, अब ये अभियान हम पूरे पूरे तन मन धन से करेंगे और इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। सारे गांव ने बैठ के मोदी जी के कार्यक्रम को देखा है तो हम इससे प्रेरणा लेंगे कि आगे जैसे कैसे जो आज तो प्रेरणा मिली खादी के ऊपर हमें आगे बढ़ना है और अपना स्वरोजगार लेके आना है और हमारी जो टीम है स्वच्छता की वो आगे कैसे अपने प्रारूप को तैयार करेगी उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुल्हेड़ी मॉडल के बारे में बताया था तो उसका भी हमने पूरा गाँव का जैसे जोन मैप तैयार करके हम उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में 14 शिकायतें सुनी, जिनमें से 12 का मौके पर ही निपटान कर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से पुस्तकों की बिक्री की शिकायतें मिल रही हैं। उनकी मनमानी रोकने और किताबों के सही ढंग से बिक्री के लिए नीति बनाई जाएगी। इसके तहत पुस्तकों के पेज व कागज की गुणवत्ता के आधार पर रेट निर्धारित किए जाएंगे और प्रदेश स्तर पर पुस्तकों के चार्ट बनाकर आमजन को जानकारी दी जाएगी। माना वसूल करते थे और अपने ही परिसर में अपनी दुकानें खोलते थे। किताबें कुछ तो एनसीईआरटी लगती हैं, एनसीईआरटी की तो लेते ही, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ किताबें सौंपी जाती हैं। अब हमने उनको कहा कि जो रेट्स हैं उसके ऊपर एक कैप लगा देंगे कि इससे ज़्यादा, यानी किताब के साइज के नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से, और एक रेट तय करेंगे कि उसमें उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, वो उससे नीचे में कोई बेचना चाहे ठीक है, हमारे अपनी जो कॉस्ट आती है सरकारी उसमें थोड़ा बहुत अगर जोड़ना भी होगा तो प्रॉफिट का मानो 5-10% उनका जोड़ेंगे, लेकिन एक कैप लगा करके सबको सर्कुलर करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कावेरी की मदद से फरीदाबाद का एक परिवार सूडान से सकुशल भारत लौट आया है। फरीदाबाद पहुंचे संतोष जैन और उनकी पत्नी ज्योति अग्रवाल ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से सूडान में रह रहे थे। संतोष यहां की एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि सूडान में गृह युद्ध के कारण हालात काफी खराब हैं और हमें वहां हर समय मौत का डर सता रहा था। घर के बाहर सड़कों पर टैंक, आसमान में फाइटर जेट और जगह जगह से आती मौत की खबरें उन्हें लगातार बेचैन कर रही थी, लेकिन अब हमें खुशी है कि केंद्र व राज्य सरकार की मदद से हम सही सलामत वापस अपने घर पहुंच गए हैं। हमें इतनी ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमें उम्मीद थी कि हमें से जिंदा जाएंगे, लेकिन हमें घर तक पहुंचाएंगे, से घर के अंदर तक, घर के बाहर तक नहीं। तो होता है कि घर तक रोड पे ड्रॉप करते हैं, रोड से घर के अंदर तक, और खाने तक का अरेंजमेंट भी वो तक, इस तरह से तो लगा कि बाकी मोदी जी की सरकार और हरियाणा सरकार जो अपने नागरिकों के लिए कर रही है, सोचा नहीं था, मैंने तो नहीं सोचा, अपनी फैमिली में सोचा कि इतना इतने लेवल तक वो कर सकती है, अपने बंदों की सेवा कर रही है, नागरिकों की सेवा कर रही है। थैंक यू फॉर मिस्टर मोदी जी, भारत सरकार और हरियाणा सरकार से, स्पेशली कलेक्टर साहब को भी, जो उन्होंने अपना टाइम निकाल कर, कितना टाइम नहीं होता उनके पास, उनका बहुत ज़्यादा उनके प्रोग्राम होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, तो धन्यवाद। निकलने के टाइम पर भी बहुत डर लग रहा था, लोकल लोग किस तरीके से बसों के अंदर आके आपको घूरते थे, देखते थे, ये डर लगता था कि कहीं कोई गोली ना मार दे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना कैश था, ना गोल्ड था, कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि खाने का भी कोई सामान नहीं था हमारे पास, कपड़े भी नहीं थे हमारे पास। ऐसे लग रहा था कि जो हम रिफ्यूजी कभी मूवी देखते थे वो हम खुद को एक रिफ्यूजी समझ रहे थे उस टाइम पे, कि बस
घर निकले हम लोग। सरकार को हम एक थैंक्स कहना चाहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन नेवी को, इंडियन आर्मी को, थैंक्स फॉर माय हार्ट कि उन्होंने हमें सेफली घर पहुंचाया, और स्टेट गवर्नमेंट को भी जिन्होंने हमें स्पेशली एयरपोर्ट से घर तक सेफली ड्रॉप किया। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने आज पलवल में वन स्टॉप सेंटर योजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ये सेंटर किसी घटना से पीड़ित महिलाओं के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। यहाँ पीड़ित महिलाओं को पुलिस, मेडिकल, कानूनी और मानसिक सहायता के साथ साथ कानूनी मार्गदर्शन करने के लिए काउंसलिंग भी की जाती है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां और सभी महिलाएं इस योजना से मदद ले सकती हैं। ये एक ऐसी योजना है जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। इस सेंटर के माध्यम से महिलाओं को न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। हमारे 2015 में जो सरकार द्वारा चलाए गए इस सोच के साथ कि इसी तरह की जो बेटियां जो एक दो दिन के तीन दिन के आश्रय पर लाई जाती हैं, उनको अच्छा स्थान मिले, अच्छा खाना मिले और वो रह पाए हमारे पास, इस वजह से उन बेटियों को जो है यहाँ पे लाया जाता है। और यहाँ के पूरे हरियाणा के 22 के 22 वन स्टॉप सेंटर्स का एक नया नक्शा बन रहा है, जिसमें हम जो यहाँ की रेजिडेंट ऑफिसर है उसके लिए हम एक टूर सेट का प्रावधान करते हैं। नीचे गर्ल्स के लिए जो है, जो यहाँ पर आती हैं थोड़े दिन के लिए, उनके लिए हम प्रॉपर लिविंग रखते हैं, प्रॉपर खाने का इंतजाम होता है, इनके लिए अधिकारी होते हैं। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।